साल 2024 में 1 मई के बाद चार राशि वाले लड़की लड़कियों का अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव इन चार राशि वाले लड़की लड़कियों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा। जिन चार राशियों का मैं भी आपको नाम बताने वाला हूं, इन राशि वाले लड़के लड़कियों की शादी के योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही हो, तो ऐसी स्थिति में जरूर ध्यान रखना, 1 मई 2024 को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बना देंगे। तो ये चार कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं, इन राशियों का नाम बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां आप हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो आज ही आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल को। विशेषतः आप जानना चाहते हैं आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। साल 2024 में चार ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका 1 मई के बाद विवाह होने का, शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। इसमें सबसे पहली भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। जैसे ही 1 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो वृषभ राशि वाले ऐसे लड़के लड़की जिनकी शादी की योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास के बाद सफलता नहीं मिल रही है, तो 1 मई के बाद ज्यादा से ज्यादा आप बात आगे बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, वहां पर देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको प्रभावित करेगा। ऐसे में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बना देंगे देवगुरु बृहस्पति। दूसरी भाग्यशाली राशि है जिसको देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से प्रभावित करेंगे, ऐसे में दूसरी भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले लड़के लड़कियों के भी यदि विवाह होने में, शादी का रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही है, तो 1 मई 2024 के बाद ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, 1 मई 2024 के बाद अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। तीसरी भाग्यशाली राशि है जिसको देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से प्रभावित करेंगे, ऐसे में तीसरी जो भाग्यशाली राशि बनती है वह बनती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लड़के लड़कियों के भी निरंतर विवाह होने में, शादी का रिश्ता पक्का होने में अड़चने चल रही है, तो 1 मई 2024 के बाद ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, 1 मई के बाद अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। देखिए प्रिय दर्शकों, ऐसा नहीं है कि जिन चार राशियों का मैं भी आज आपको नाम बताने वाला हूं, 1 मई के बाद 2024 में इन्हीं चार राशियों वालों की शादी पक्की होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में, क्योंकि ये तो मैं गोचर में जो प्रेजेंट टाइम में बृहस्पति की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग जानकारी दे रहा हूं, यदि किसी लड़का या लड़की की कुंडली में शादी का रिश्ता पक्का कराने वाले ग्रहों की दशाएं चले, तो किसी भी राशि वाले का अचानक से शादी का रिश्ता कभी भी पक्का हो सकता है। क्योंकि जो ज्यादा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में जो एक सटीक गणना निकाली जाती है ना, वो कुंडली के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। यह जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये ऐसे लोगों के लिए दे रहा हूं जिनके पास कुंडली नहीं है, जिनको डेट ऑफ बर्थ टाइम पता नहीं है, तो वह अपनी राशि के अकॉर्डिंग प्रयास कर सकते हैं, राशि के अकॉर्डिंग जान सकते हैं। तो इसमें जो चौथी भाग्यशाली राशि है जिसको देवगुरु बृहस्पति अपनी नवम अमृतमय दृष्टि से प्रभावित करेंगे, तो ऐसी भाग्यशाली राशि है मकर राशि। मकर राशि वाले लड़के लड़कियों के साथ भी निरंतर बार बार प्रयास करने के बाद भी बात नहीं बन रही है, तो 1 मई के बाद अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। एक और विशेष बात है, जिन राशियों का मैंने नाम नहीं लिया है, तो ऐसे लोग निराश बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि इंपोर्टेंट पॉइंट होता है आपकी जन्म कुंडली का।
यदि जन्म कुंडली में मैरिज हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा आ जाए, सप्तमेश की दशा चले, शुक्र या गुरु या बुध की दशा चले, या कोई ऐसे ग्रह की दशा चले जो विवाह का योग बना रहा है आपकी राशि और आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, तो जिन राशियों का मैंने नाम नहीं लिया, ऐसी राशि वाले लड़की लड़कियों का भी अचानक से शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है। यह ओनली मैंने देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि विशेषतः जब किसी भी लड़का या लड़की के विवाह का समय ज्ञात किया जाता है तो उसमें बृहस्पति की जो स्थिति है ना वो मुख्य रूप से विचार की जाती है, क्योंकि किसी भी लड़का या लड़की की अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग जब देवगुरु बृहस्पति अपना शुभ प्रभाव किसी राशि पर रखता है तो ऐसी स्थिति में बनता है। ऐसे में 1 मई 2024 के बाद जो चार राशियां मैंने आपको बताई है, सबसे पहले वृषभ राशि, दूसरी है कन्या राशि, तीसरी है वृश्चिक राशि और चौथी है मकर राशि। तो साल 2024 में इन चार राशि वाले लड़के लड़कियों को 1 मई के बाद माता पिता को ज्यादा से ज्यादा शादी के रिश्ते के लिए प्रयास करना चाहिए। अचानक से आपकी बात बन सकती है और मन के अनुरूप एक अच्छा श्रेष्ठ जीवन साथी मिलने का योग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो प्रिय दर्शकों, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखें ज्योतिष गुरु जी यूट्यूब चैनल को, और मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा जो